गाड़ी का हाल कुछ ऐसा, नंबर प्लेट पहचान नहीं आ रही, कोई नंबर भी पूछेगा तो मैं बता भी नहीं पाऊंगा। थोड़ा सा बोरिंग हो गया था क्योंकि आपने गुड मॉर्निंग, और अभी जो टाइम हो रहा है वो है 9:04, और अभी हम जलंधर में हैं। तो बहुत लंबी कहानी है, यानी कि हम निकले थे श्रीनगर से अर्ली मॉर्निंग, 7:30 अर्ली मॉर्निंग कह सकते हो ये, तो 7:30 पे हम निकले थे। एंड देन उसके बाद में हमारा जो टाइम है यहाँ पे पहुँचते अप्रॉक्स 9 बज गए थे हमें जलंधर पहुँचते। काफ़ी लंबा स्ट्रेच था, और यहाँ से गूगल मैप दिखा रहा है जयपुर 602 किलोमीटर, और हम ट्राई कर रहे हैं कि जल्द से जल्द निकलें ताकि रात ज़्यादा ना हो घर पहुँचते। तो वैसे मैक्सिमम 10 घंटे में पहुँच जाते हैं, तो अब देखते हैं कैसे डाइवर्जन ज़्यादा ना मिले और रूट सारे क्लियर मिले तो हम आराम से पहुँच सकते हैं। ये है कुछ बाइक का नज़ारा, लोड ये रात भर पूरा लोड छोड़ के गया था मैं, और ये होटल का एंट्रेंस है। काफ़ी अच्छा होटल था, काफ़ी सस्ते में मिला, 900 या 1000 रुपीज़ ओवरऑल जो अमाउंट लगा क्या खाने पीने का वो 1300 या 1500 ऐसा कुछ लगा। पेमेंट कहने किया है तो मुझे इतना अंदाज़ा है नहीं, और उसने ये देखा था ऑनलाइन दिखा रहा था बहुत महंगा, तो उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन की जगह आप हमसे इतने में ले लो, डील कर लो, तो हमने कर ली थी। और कुछ ऐसी जगह है ये बहुत गर्मी हो रही है तो गेयर अप करते हैं। ऑलमोस्ट सब रेडी है, गाड़ी पर बैठ चुके हैं और अब निकलने की बारी। टाइम हो रहा है 9:43, 10 घंटे भी लगते हैं या 12 घंटे भी लगते हैं, तो चलते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि अभी यार सॉफ्ट मेरा फट गया है, तो राइट हैंड पैर से जो अंगूठा होता है वो बाहर निकल रहा है, तो इरिटेशन भी हो रही है। और तो हम लोग गाड़ी लोड की तो कपड़े ऊपर लेके नहीं गए थे, कोई ना चलता है छोटा मोटा। तो ब्रेक हो गया है कम्प्लीट, अब रास्ता है 400+ किलोमीटर, और टाइम जो है गूगल मैप दिखा रहा है 10 घंटे से ज़्यादा 400 किलोमीटर पे। मैं जाने क्यों ये इतने घंटे शो हो रहे, और मेरे हिसाब से ये रास्ता 8 घंटे का और होना चाहिए, देखते हैं किलोमीटर करने के बाद पता चलेगा। अभी हमें दिल्ली लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे, और पेट्रोल पंप पे रुके थे, टैंक फुल हो चुका है। अब करीबन नाना करते हुए 3 घंटे दिल्ली और 4.5 घंटे जयपुर, तो करीबन करीबन 7:30 या फिर 8 घंटे लगेंगे जयपुर पहुंचने में, तो रास्ता तय करते हैं। तो अभी हम हरियाणा के रूट पे, और दिल्ली यहाँ से 73 और जयपुर यहाँ से 347 ऐसा कुछ किलोमीटर है, और गाड़ी का हाल कुछ ऐसा कि नंबर प्लेट पहचान में नहीं आ रही, कोई नंबर भी पूछेगा तो मैं बता भी नहीं पाऊँगा। तो अभी तक की ये अपडेट है, और पहुँचते जल्दी। और रूट ये वाला रूट थोड़ा आउटर हो गया है, मतलब बोल्ड हो गया है, तो इसलिए शायद ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती इसमें, सिर्फ ट्रक चलते हैं, लोकल गाड़ियाँ मेरे को दिखती है बस, और कोई भी ऐसा अलग स्टेट का गाड़ी नहीं दिखती है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न पैदा करता ही है।
फाइनली जयपुर, अब 134 या फिर 140 के करीबन बचा है। और अभी हमें होटल हाईवे जो निमराना पे आता है, और मेरी आँख पे कुछ गया हुआ है जिसके कारण बहुत पेन हो रहा है जैसे बंद होती है तो, और थोड़ा सा पेन हल्का फुल्का है पर जब बंद करते हैं तो ऐसा लगता है रगड़ रहा है कुछ। तो लेट्स सी, पहुँचते हैं घर पे।